प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्होंने 11 दिन पहले से कठोर अनुष्ठान प्रारंभ किया ताकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो पूर्ण रूप से योग्य रहे। दूसरी तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चलती रही। अच्छा जी, ये समझाइए कि ये जो यंत्र का पूजन चल रहा है ये क्या है? हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान के प्रतिष्ठा का यंत्र के ऊपर ही विधान है कि जो भी श्री राम है, श्री राम जी के समस्त मंत्रों का जो अक्षर है वो सारे अक्षर इस यंत्र पर विद्यमान है। तो भगवान की जब अयोध्या में प्रतिष्ठा होगी तो यंत्र पर उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और वो अक्षर यंत्र भगवान के सारे मंत्र और बीज न्यास सारे उस यंत्र में है, तो विग्रह यंत्र पर रखा जाएगा। हमने अयोध्या के कण कण में एक नई चेतना का संचार देखा। सड़कें, पुल, चौराहे सब नया रूप लेते देखे। तो हमने उन घाटों का जीर्णोद्धार भी देखा जिनमें बहता सरयू का जल सदियों से श्री राम कथा का गान करता आ रहा है। कवि हैं आप, राम जी पर कविताएं सुनाते हैं। मेरा नाम ही रामायणधर द्विवेदी है, तो बिना राम के मेरी कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, मैं वो छंद सुनाता हूँ। लेके अवतार जो संहार किए दानवों का, लेके अवतार जो संहार किए दानवों का, हम उन पर निज तन मनवारे हैं, सारे अवलंब छूट जाएं दुनिया के पर, कष्ट में हमारे सियापति जी सहारे हैं। आपदा कभी जो बड़ी आई कोई जिंदगी में, आके हर बार रघुनाथ जी उबारे हैं, और यही एक आस हर सांस लेके आती रही, यही एक आस हर सांस लेके आती रही, हम राम जी के प्रभु राम जी हमारे हैं। हमने ये गुप्तार घाट पहले भी देखा था, तब इतने पौराणिक महत्व वाले घाट की दशा और थी और अब ये और है। घाट के चारों तरफ राम नाम की गूंज है, और जिन सरयू जी का जल कभी सिमटा रहता था उनकी लहरों पर तैरता आधुनिक विकास का प्रतीक क्रूज देखा। अयोध्या के विकास पर हर्षाती हनुमान गढ़ी देखी हमने, तो भगवान श्री राम ने जिस महल में बिताया था अपना वैवाहिक जीवन, हमने वो कनक भवन भी देखा। भगवान की प्रार्थना जो तो हो गई है, पूरे मंदिर बन करके तैयार हो गया, भवन निर्माण हो रहा है। 22 तारीख को बड़ा अच्छा है, जो उद्घाटन भी हो जाएगा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सारे भारतवर्ष में हर उल्लास मनाया जा रहा है। तो क्योंकि भगवान तंबू में बैठे रहे, अच्छा नहीं लगता था, अपन महल में रहे, भगवान जो तंबू में बैठे रहते थे, अच्छा हुआ है, भगवान की कृपा से सुंदर हो गया है सब। कभी माता कैकेयी ने सीता जी को कनक भवन विवाह पश्चात मुंह दिखाई में दिया था, इसका वैभव आज भी उत्कर्ष पर है। लेकिन जब संपूर्ण अयोध्या ही जागृत होती है तो कनक भवन भी उत्साहित है अपने स्वामी श्री राम की प्रतीक्षा में। राम मंदिर का निर्माण इतना भव्य हो गया है, और भी लोग आ रहे हैं? जी बहुत लोग आ रहे हैं दीदी, कल्पना से परे, हमने कभी जीवन में कल्पना नहीं किया था ना, इतना भीड़ कभी अयोध्या में हुई। जब से मंदिर का निर्णय ही आया तभी से आम बहुत पब्लिक अयोध्या में आ रही है। रामलला तो वनवास के बाद लौट रहे हैं, लेकिन राम जी तो यहाँ वास करते हैं। जी जी, राजा राम जी वास करते हैं। अयोध्या के सिरों को तलाशते हुए हम पहुँचे नजरबाग गुरुद्वारे में, जहाँ एक समय में श्री राम जन्म भूमि को मुक्त कराने के लिए निहंगों ने पराक्रम का परिचय दिया था। निहंगों का भी एक जत्था यहाँ पर, उनकी भी बात होती है, एक FIR उनके खिलाफ है, क्या? जी, पहला FIR जो इस जन्मभूमि के संदर्भ में हुआ है वो निहंगों के खिलाफ ही हुआ है, कि वो 25 की संख्या में लोग आए और उन्होंने इस जबरन जो उन्होंने कब्जा कर रखा था मुस्लिम लोगों ने, उनको वहां से हटाया। वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, गुरु गोविंद सिंह जी के नारे लिखाए, और वहां जो दीवार थी वहां राम राम उन्होंने लिखा, और वहां उन्होंने एक गड्ढा बना करके जब तप किया, कुछ दिन तक रहे, उसके बाद फिर वो यहां से हिंदू भाइयों को दे करके यहाँ से चले गए। जो पहली FIR है वो सिख निहंगों के खिलाफ ही है, जो जन्मभूमि के संदर्भ में है। अयोध्या में श्री राम लला विधिवत विराज रहे हैं, तो खुशियां हैं, भावुकता है, उल्लास है। अयोध्या नगरी जिस तरह से सज रही है, जैसे 22 तारीख की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं? बहुत दिल से कर रहे हैं, बहुत वर्षों से ये इंतजार था,
आज इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, हम लोग अंदर से हृदय बहुत प्रफुल्लित है, बहुत उल्लास है। बिल्कुल जैसे हम लोग को जैसे लग रहा है एक एक मिनट जो है जैसे लग रहा है कि जल्दी वो दिन आए, हमारे प्रभु का मंदिर बन के तैयार हो गया है, प्रभु अपने घर में निवास करें। और समूह सिख संगत से लेकर पूरे अयोध्या वासी बिल्कुल बहुत खुशी से गदगद है। आज अयोध्या का एक एक कण जो है मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, बहुत खुशी है हम लोगों को। रामलला के दर्शनों को उमड़ रहे श्रद्धालुओं के लिए लंगर भी लगाया और हमने प्रेम की अद्भुत तस्वीर भी देखी अयोध्या में। रामलला गर्भगृह में विराजे तो अयोध्या में जैसे प्राण पड़ गए हो, कण कण राममयी हो उठा। ये बाला साहब ठाकरे जैसे, अयोध्या और बाला साहब ठाकरे का बड़ा निजी रिश्ता है। अगर ये ढांचा, ये बाबरी का ढांचा अगर हमारे शिव सैनिक ने गिराई होंगी तो मुझे गर्व है। ये गर्व की बात जो कहने वाले थे वो केवल बाला साहब ठाकरे थे। जिसको जैसे राम भक्ति की आस्था दिखी मिली वो वैसे अपने प्रयास कर रहा था और अयोध्या अपने इस वैभव पर मुस्कुरा रही थी। अयोध्या नगरी में आप सड़क मार्ग से चले या फिर अयोध्या नगरी में आप ऐसे सरयू जी से होकर जाएं, आपको सीधे उन सभी जगहों तक आप पैदल भी पहुंच सकते हैं। और जब ये जल मार्ग यहाँ का विकसित पूरी तरीके से हो जाएगा उसके बाद एक अलग ही सुंदर तस्वीर दिखेगी। सब कुछ राममय दिखा हमें, कर्तव्यों में भी राम, व्यवहार में भी राम, आचरण में भी राम, राम ही राम। यूपी पीएससी का ये आप दस्ता देख रहे हैं, ये बैंड देख रहे हैं जो 22 तारीख के लिए खास करके यहाँ पर रिहर्सल कर रहा है। आमतौर पर आप जो पुलिस के बैंड्स हैं वो 26 जनवरी के दिन के लिए तैयारी करते देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी के अतिथियों का भी स्वागत ऐसे ही होगा। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि पीएसी की वो बटालियन है जो वाराणसी से है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से। नाच कर गा कर सज कर सजा कर राम भक्ति में डूबी अयोध्या भारत की सांस्कृतिक पहचान में आध्यात्म के रंग भरती दिखी। अब जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी है तो कहीं पुनरावृत्ति ना हो, वैसे इसको लेकर सजग और तत्पर अयोध्या भी हमने देखी। आस्था, सुरक्षा, परिवर्तन, विकास, इन सब शब्दों को आत्मसात करके अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्रथम तल सुशोभित है, कण कण जगमग है। मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है। अब बस कुछ घंटों की प्रतीक्षा और है, फिर बदल जाएगी अयोध्या की वो तारीख जो 500 वर्षों से एक प्रश्न पर रुकी थी, राम कब आएंगे। श्री राम बाल रूप में आ चुके हैं, 22 जनवरी को मूर्ति में प्राण जागृत होने ही वाले हैं, फिर 23 जनवरी के बाद श्री राम लला और उनके भक्तों के बीच की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अयोध्या में जो गूंज रहा है नारा वो देश में गूंजेगा, अयोध्या के इतिहास का भी नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा।